वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम निर्मन। अभी 9:30 बज चुके हैं और हम सराहन से आ रहे हैं। अब हमने किन्नूर यानी चिटकुल जाने के लिए चेक पॉइंट पर अनुमति ली और किन्नूर में प्रवेश करने के लिए गेट की ओर आगे बढ़े। सो दिस इज कॉल्ड गेटवे ऑफ किन्नूर and we will enter into our mesmerizing journey. आज खूबसूरत सुबह है, चारों तरफ खूबसूरत दिखता है। बारिश की वजह से काल का नज़ारा थोड़ा अलग था, जो हिमाचल का परिचित माहौल नहीं है। देखते हैं आज प्रकृति का आनंद लेने का मौका मिलेगा या नहीं। बाएं ओर लगभग 8000 फीट नीचे सतलुज नदी धीमे आवाज में बहती है। ये वैली हिमाचल की पूर्वी भाग में स्थित है और ये अपने ब्रेथ ट्रेकिंग लैंडस्केप्स, स्नो कैप्ड पीक्स और अनोखा गांवों के लिए जाना जाता है। इस वैली के भीतर अलग अलग ऊंचाई, अलग अलग जलवायु और समृद्ध बायोडाइवर्सिटी प्रदान कराती है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाती है। आज का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, इसलिए कोई भी स्किप न करें। आज के लिए हमारा प्लान इस प्रकार है। सबसे पहले हम करचम डैम, कुपा, सांगला वैली, रक्चम होते हुए चिटकुल पहुंचेंगे। यहां हम आज हिमालयन ट्राइब कैंप्स में रुकेंगे। अब हम करचम बांध के पास से गुजर रहे हैं। द करचम डैम, ऑल्सो नोन एज द करचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इज अ लार्ज डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। करचम बांध की क्षमता 1000 मेगावाट है और ये भारत में सबसे बड़ी रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये बांध एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जो 607 फीट का ऊंचाई पर स्थित है। ये टनल्स के माध्यम से सतलुज नदी की प्रवाह को मोड़कर बिजली उत्पन्न कराता है, जो टर्बाइनों को चलाकर बिजली पैदा करता है। द करचम डैम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मीटिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। It also provides opportunities for tourism and has become a popular spot for visitors due to its scenic beauty and the panoramic views of the surrounding mountains and the river. अब हम कुपा पर आते हैं, थोड़ी देर बाद में सांगला पहुंच जाएंगे। अब हम धीरे धीरे सपनों के द्वारे में आगे बढ़ रहे हैं। आसपास के वातावरण अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। ऊपर नीला आसमान,
दोनों ओर घने देवदार की जंगल, दूर तक उजागर बर्फ से ढाकी चोटियां। ऐसा लगता है कि पूरा दिन इस खूबसूरत प्रकृति में खो जाते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रहे हैं, साथ ही हल्की ठंडक और प्रकृति में बदलाव भी दिखने को मिल रहा है। यहाँ सड़क के दोनों ओर कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सेब का बगीचे हैं। हालांकि अब किसी भी पेड़ पर सेब उगाता नज़र नहीं आता, अब तो सीजन भी नहीं है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में बड़े बड़े लाल सेब हर जगह देखे जा सकते हैं। हमने खो दिया, वैसे भी आप उस वक्त यहाँ आ सकते हैं। अभी हम चिटकुल बाज़ार में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले से सुना, मुझे उससे कहीं अधिक आधुनिक रूप दिखाई देता है। मुझे आसपास कई बड़े बड़े होटल दिखता है। हालांकि हम कंक्रीट की जंगल से आगे जंगली प्रकृति की गोद में जा रहे हैं। ये सड़क वस्पा नदी की ओर उतरती है, काफ़ी हद तक असमान और काफ़ी झटका लग रहे हैं। सामने हमारा टेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स एंजॉय द वाइल्ड ब्यूटी ऑफ चिटकुल एलोंग विथ मेसमराइजिंग बर्बल्स ऑफ द वस्पा रिवर। नो मोर इनफ वर्ड टू डिस्क्राइब, just watch and feel the moments.
at last we reach our camp, the Himalayan tribe camps. यही है हमारा कैंप। Yes, first come into the. It's beautiful. Babui, you are not feeling cold here. Okay. This might be bathroom toilet. Beautiful. Okay, you are happy? Everything is well furnished. Okay. This is Chitkul, the beautiful place of India and Tibet border. And Chitkul is the last place, as you know. And we are staying here at the Himalayan tribe camp. You see this? What a beautiful place. The river is flowing with beauty, nature. And you can see the snow-peaked mountains here. Okay. Now I'm going to the riverside. So, Chitkul village is situated on the banks of Baspa River at an altitude of approx 12,000 feet, a tributary of the Sutlej River. It offers breathtaking views of snow-capped mountains, lush green meadows, and the picturesque Baspa Valley. Chitkul is often referred to as the last village of India due to its proximity to the border. Chitkul is famous for its apple orchards, and the region is known for producing high quality apples. The village also serves as a starting point for various treks and hikes in the region, including the popular Kinnaur Koilas Parikrama trek. जब आपके पास करने को कुछ नहीं है तो आप प्रकृति में खो रहने के अलावा और क्या कर सकते हैं? This is Parasol tent camp, and here is our owner, Dhanjeev Singh ji. Dhanjeev Singh ji. ये मैं Himalayan tribe camps का owner, Dhanjeev Singh, Chitkul. ये हमारा Swiss tent रहता है, जो इसका price है 3,600. हाँ जी. Okay. खाली ये ही रहता है इसमें. अच्छा, कपल के लिए एकदम सही है. कपल के लिए एकदम सही है. फैमिली के लिए भी एकदम बिल्कुल वो सूटेबल रहेगा ये टेंट. ओके ठीक है. दिस इज आवर डिनर एंड वी आर रेडी टू टेक दिस. गुड मॉर्निंग ऑल. This is Chitkul. We are from Holland tribe camp. It's so cold. This is our morning breakfast. Oh, guys, the log for you. Yes. Yummy. See you in the next episode. Bye. Thanks for watching.